सीनियर गर्ल्स हॉस्टल कमलागंज के अधीक्षिका पर गंभीर आरोप। छात्राओं ने जिला पंचायत सीईओ से की शिकायत। शिवपुरी शहर के कमलागंज में स्थित सीनियर गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने आज जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी से छात्रावास अधीक्षिका की शिकायत पर उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला पंचायत सीईओ के ऑफिस पहुंची करीब 2 दर्जन से अधिक छात्राओं ने बताया है कि छात्रावास अधीक्षिका की मनमर्जी के चलते उन्हें हॉस्टल में ना तो सही से नाश्ता मिल रहा है और ना ही पर्याप्त मात्रा में भोजन। इसके साथ ही हॉस्टल में अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। छात्राओं ने बताया है कि कोई छात्रा अगर बीमार पड़ जाए तो अधीक्षिका अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज तक करती है। जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी ने छात्राओं को जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सुनिए क्या कहा छात्राओं ने शिवपुरी से नासिर खान की रिपोर्ट। मैं भी अधीक्षिका लता कटारे मैम के हॉस्टल से आई हूँ। हमारी मैम ना कुछ भी हमें हो जाता है या फीवर वगैरह आ जाता है ना, तब वो टेबलेट भी नहीं देती, बिल्कुल बोलती हैं आपके घर जाओ और गालियाँ भी देती हैं कभी कभी। क्या समस्या आ रही है आपको हॉस्टल में? वो हॉस्टल में खाना ठीक से नहीं मिलता, जैसे पहले मिलता था ना वैसा कुछ नहीं मिलता। पहले मतलब सलाद वगैरह सब कुछ मिलता था, अब वैसा कुछ भी नहीं मिलता। तो मैम का व्यवहार कैसा है आप लोग? मैम का व्यवहार ठीक नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है आपकी मैम का? मैं मैम का लता कटारे। कौन है वो, कौन से पद पे? अधीक्षिका। तो पहले भी आपने शिकायत की थी कभी? हाँ पहले भी की है एक बार और। तो उसके बाद कुछ सुधार हुआ था क्या? हाँ थोड़ा बहुत हुआ था। अभी जहाँ सर के पास आयो, क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने बोला के कर देंगे। बताएं। मेरा नाम वंदना जाटव है, मैं शासकीय सीनियर बालिका उत्कृष्ट छात्रावास से आई हूँ। उसके सामने हॉस्टल है, हमारे हॉस्टल में बहुत समस्या है। मैम को इतना समझाया फिर भी वो नहीं मानी, तो हम अपनी हमको समस्या है, एनीमीटर नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही, एग्जाम नजदीक आ गए है, खाना भी नहीं मिलता है टाइम से, लाइट वगैरह कुछ नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। कभी भी वो ठीक व्यवहार नहीं करती हमारे साथ, और मतलब कुछ भी बोलते हैं तो उसका उल्टा जवाब देती हैं, और कभी ठीक नहीं बोलती, ना खाना मिलता है सही, और जब बोल देते हैं डीओ के पास जाएंगे तो 2 दिन सही व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। और हमसे पहले वो आ जाती है जैसे कि अभी वो उधर बैठी हुई है। पढ़ाई से संबंधित मोटिवेट करती हैं आपको? कोई नहीं करती, और खैर दो लाइट भी नहीं आती, शाम चली जाती है, पढ़ाई करो, जब हम लाइट की बोलते हैं तो नहीं आती, और डीओ की बोलते हैं तो 2 दिन सुधरवा देती है, फिर उसके बाद वो ही चलता है जैसे पहले था। लाइट और पढ़ाई।